अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फ़ोटोशॉप में अपनी किसी भी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है उसे ब्लर किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी इस लेयर पे जाऊंगा, कंट्रोल जे को प्रेस करूंगा, इसकी दो कॉपियां बना लूंगा, बीच वाली लेयर पे जाऊंगा, क्विक सिलेक्शन टूल से मैं इसकी सिलेक्शन कर लूँगा। तो यहाँ से साइडों से सिलेक्शन जो है वो हमारी आगे पीछे हुई भी है, बाहर हुई भी है, हमें मसला नहीं है। हमें इसे अभी फिल करना है, इसे मैं 100 पे रखूँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा जो बंदा था वो गायब हो गया और हमारी ये जो जगह है वो बैकग्राउंड के साथ फिल हो गई है। अभी हमें ये सिलेक्शन नहीं चाहिए तो कंट्रोल डी से इसे डिसलेक्शन कर देते हैं। अब हम ऊपर वाली लेयर पे जाएंगे और इसकी सिलेक्शन करेंगे। इस दफ़ा हमें जो सिलेक्शन करनी है बिल्कुल इस बंदे के ऊपर ऊपर ही करनी है।
तो यहाँ से जो हमारी सिलेक्शन थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी एक कॉपी बना लेनी है। देख सकते हैं हमारी ये कॉपी बन गई है। अब हमें इस वाली लेयर पे आके डिलीट का बटन दबाना है और इसे डिलीट कर देना है, और इस लेयर को सिलेक्ट करना है और फिल्टर में जाना है, ब्लर पे जाना है, गॉर्जियस ब्लर पे जाना है, और आप इसे अपने हिसाब से अपनी तस्वीर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपको जितना भी ब्लर चाहिए आप इस फोटो में रख सकते हैं। मुझे इतना चाहिए तो मैं इसे यहीं पर ही ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो है वो ब्लर हो चुकी है।